नमस्कार दोस्तों, देखिए हमने जेनेटिक या मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की अगर बात करेंगे जेनेटिक्स में, तो बहुत सारे चैप्टर हमने पढ़ लिए। आज हम लास्ट का चैप्टर जो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ अ ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस का लास्ट स्टेप है ट्रांसलेशन। हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से एमआरएनए बनता है। ओके, देयर इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ mRNA फ्रॉम DNA, और mRNA बनने के लिए आपने देखा कैसे RNA polymerase 2 एक्ट काम कर रहा है। ओके, इन यूकैरियोट्स और आपने प्रोकैरियोट्स का देख लिया। आप एक बार वीडियो देख लीजिए कि किस तरह से वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, कैसे आपका इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन हो रहा है। सो एवरीथिंग यू शुड नो, व्हाट इज अ सेन स्ट्रैंड, व्हाट इज अ नॉन सेन स्ट्रैंड, व्हाट इज अ कोडिंग स्ट्रैंड, व्हाट इज अ नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। सो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, ओके, इज you should learn from that video, that is a transcription. अब translation में देखिए, translation is the process of protein synthesis. क्योंकि देखिए mRNA बन गया, अब mRNA से क्या बनना चाहिए, आपका protein बनाना जरूरी है। लेकिन mRNA से protein बनाने से पहले आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान देना है। पहले तो आपको ribosome अच्छे से पता होना चाहिए, tRNA पता होना चाहिए। हमने tRNA discuss किया है, ribosome discuss किया है, in cell, cell में मैंने आपको बहुत अच्छे से इनके बारे में डिस्कशन किया है। नाउ mRNA बन गया तो आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत है, mRNA, राइबोसोम और आपका tRNA। और tRNA कैसा, चार्ज्ड tRNA। अब mRNA क्या करता है, mRNA DNA के ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज वी नो DNA इज अ जेनेटिक मटेरियल। DNA क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो DNA से इन्फॉर्मेशन कहाँ, mRNA के फॉर्म में साइटोप्लाज्म में आती है, क्योंकि राइबोसोम इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म नॉट इन न्यूक्लियस। तो राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट, ये दोनों मिलके एक साथ आके प्रोटीन बनाते हैं। व्हाट इज अ प्रोटीन, प्रोटीन एक पॉली अमीनो एसिड चेन है। नाउ उससे पहले हमें जेनेटिक कोड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो जेनेटिक कोड क्या होता है, देखिए आपके बॉडी में जेनेटिक कोड इज नथिंग बट द कोड विच कोड फॉर अमीनो एसिड, जो कोड स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को कोड करता है, ओके, सीक्वेंस करता है, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। सो द जेनेटिक कोड डिफाइन एज एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ DNA न्यूक्लियोटाइड्स रीड्स द थ्री लेटर वर्ड। देखिए जेनेटिक कोड जो है वो तीन बेस पेयर का होता है, लेटर वर्ड मतलब तीन बेस पेयर्स, लेटर वर्ड और कोडॉन्स, उसको हम बोलते हैं कोडॉन्स। तो कभी अगर आपको क्वेश्चन आ गया हाउ मेनी बेस पेयर्स आर इन्वॉल्व इन कोडॉन्स, सो देर आर थ्री बेस पेयर्स इन ईच कोडॉन्स। नाउ दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन सिंथेसिस। वो क्या करता है, वो कोडॉन जो है वो क्या करता है, अब मैंने आपको बताया कि देर आर 20 इसेंशियल अमीनो एसिड्स, इसका मतलब 20 अमीनो एसिड्स है टोटल, उसमें से 10 इसेंशियल है, तो 20 अमीनो एसिड जो है, ओके, जो 20 अमीनो एसिड्स है, अगर आपको 20 अमीनो एसिड बनाने हैं फ्रॉम DNA इन्फॉर्मेशन, अगर आपका एक बेस पेयर एक अमीनो एसिड को कोड करता तो आपके खाली चार, क्योंकि आपको पता है ATGC, आपके चार ही अमीनो एसिड कोड हो पाते। अगर आपका दो बेस पेयर कोड करता तो 4:2 खाली 16 अमीनो एसिड कोड कर पाते, लेकिन आपको पता है वी हैव 20 अमीनो एसिड, इसका मतलब यहाँ पे तीन बेस पेयर, थ्री बेस पेयर्स कोड टुगेदर, इसको हम बोलते हैं कोडॉन। तो 4:3 कितना होता है, 4 × 4 × 4 इट विल बी 64। तो कितने कोडॉन हैं, देर आर टोटल 64 कोडॉन, ओके, तो ये आप कोडॉन्स के बारे में, तो इसको हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। सो देर आर 64 जेनेटिक कोड्स, ओके, एंड दिस जेनेटिक कोड्स लिंक ग्रुप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ये कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का ग्रुप है, AUG आपको दिख रहा है, AUC दिख रहा है, मतलब अलग अलग 64 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, जिसमें चार बेस पेयर के तीन तीन बेस पेयर्स एट अ टाइम आ जाएंगे, तो AA आ जाएगा, UVV आ जाएगा, इस तरह से चार चार अलग अलग कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। सो न्यूक्लियोटाइड्स, द जेनेटिक कोड लिंक ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन एन mRNA टू अमीनो एसिड, और वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन, हमने अल्केप्टोन्यूरिया देखा, फिलिनलिनेन देखा, ओके, तो यहाँ पे अलग अलग तरह के प्रोटीन्स, ओके, आपके क्रिस्टल प्रोटीन्स है, ओके, बहुत सारे अलग अलग तरह के जीन्स है, अलग अलग तरह के प्रोटीन प्रोड्यूस करते, तो दैट वी नो अबाउट दैट। नाउ मैंने बोला कि देर इज अ 64
कोडॉन्स, क्योंकि तीन तीन बेस पेयर्स एड टुगेदर आते हैं तो 64 तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं, और 64 जो कोडॉन्स है, ओके 64 जो कोडॉन्स है इसमें 61 आर सेंस कोडॉन। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कितने कोडॉन सेंस कोडॉन है और कितने कोडॉन नॉन सेंस कोडॉन है, तो तीन कोडॉन जो है वो नॉन सेंस कोडॉन है, या उसको हम बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। ये जो आपका UAA, UAG and UGA, these are the stop codon। ये कोई भी amino acid को कोड नहीं करते, उल्टा ये protein synthesis को बंद कर देते हैं। So that is the speciality of the stop codon। दूसरा होता है एक initiation codon, and initiation codon is AUG। बहुत बार आपको ये question आया है, जब भी आपको genetic code के ऊपर question आएगा, देखिए question आपको इस chapter के ऊपर पक्का आता है, मतलब translation के ऊपर, ट्रांसलेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, एक तो जेनेटिक कोड के ऊपर, या फिर आपका 8 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा ट्रांसलेशन प्रोसीजर के ऊपर, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। या फिर स्टेप्स इन 4 नंबर के लिए अगर आता है तो इन शॉर्ट आपको स्टेप्स लिखने के लिए बोलते हैं, सो आपको वो लिखते आना जरूरी है। सो आप यहाँ पे देख रहे हो देर आर 64 क्या है कोडॉन्स है, उसमें से तीन कोडॉन क्या है, दीज आर द स्टॉप कोडॉन, UAG, UGA and UAA। So UAA, UAG and UGA याद ही रखना, इन तीनों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, आपको चार नाम याद रखने पड़ेंगे, मिथियोनाइन AUG और स्टॉप कोडॉन UAA, UAG and UGA आप लिख के ही रखो, बाकियों के कोडॉन्स को याद रखने की जरूरत नहीं। अगर आप यहाँ पे अमीनो एसिड देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये कहीं पे रिपीट हो रहा होगा, TRP और CYS, कोई ना कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोडॉन आपको रिपीट हो रहा होगा, जेनाइन होगा दो, हाँ कहीं ना कहीं रिपीटेशन है दो अमीनो एसिड्स का। सो हाँ ये देखिए यहाँ पे रिपीटेशन है और कहीं होगा समवेयर एल्स, तो 20 ही अमीनो एसिड है, कितने अमीनो एसिड है टोटल 20, यहाँ पे दिख रहा है आपको एक 22 में से एक कम हो गया, अब 21 हो जाएगा, और कौन सा है और कहीं पे है, ठीक है आप ढूंढ लो। सो व्हाट इट मींस, ये देखिए 20 अमीनो एसिड्स को ही कोड करता है, ओके इट कोड्स फॉर ओनली 20 अमीनो एसिड्स, तो ये देखिए ये रिपीटेशन है, ये एक रिपीटेशन निकल गया, सो देर आर ओनली 20 अमीनो एसिड्स, अब 22 नहीं अब 20 निकलेगा, नाउ नोबडी विल बी रिपीटेड, ओके तो ये क्या कर रहे हैं, सो देर आर कोडिंग ऑफ, अब यहाँ पे आप देख रहे हो मोर देन 2 कोडॉन 4 कोडॉन, कभी आपको 4 कोडॉन है वो क्या कर रहे हैं ज़्यादा अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं, इसका मतलब ये वाला अमीनो एसिड बहुत सारा बनेगा, ये वाला अमीनो एसिड बहुत सारा बनेगा, देन ये वाला अमीनो एसिड भी बहुत सारा बन जाएगा, ओके यहाँ पे भी देखिए ये वाला अमीनो एसिड जो आपको है ये भी बहुत सारा बन रहा है। सो व्हाट इट है व्हाट हैपन्स, तो जहाँ पे भी इसका मतलब मोर देन 1 कोडॉन कोड फॉर अ सिंगल अमीनो एसिड्स, ये याद रखिए, कुछ कोडॉन्स ऐसे होते हैं जो एक ही अमीनो एसिड को, जैसे AUG, AUG कोड्स फॉर ओनली मिथियोनाइन, ओके ये मिथियोनाइन, इसलिए मिथियोनाइन की डिफिशियंसी हमारे पास होती है, और एक होगा ट्रिप्टोफैन और एक होगा लाइसिन, ये लाइसिन है, देन आपका ट्रिप्टोफैन, ये आपका ट्रिप्टोफैन है, आपको बाकी जगह ट्रिप्टोफैन नहीं मिलेगा, तो ये देखिए ट्रिप्टोफैन डिफिशियंसी, लाइसिन डिफिशियंसी, मिथियोनाइन डिफिशियंसी इसलिए होती है क्योंकि इनको प्रोडक्शन करने के लिए कोडॉन्स का नंबर कम होता है, ओके इनको प्रोडक्शन करने के लिए कोडॉन्स का नंबर कम होता है। सो याद रखिए, ये कोई आपको बताएगा नहीं, लेकिन आपको ये इस स्ट्रक्चर से आपको इजीली अंडरस्टैंड होता होगा। नाउ द जेनेटिक कोड, आपका ये जो जेनेटिक कोड है, मैंने आप बोला कि क्या होता है, तीन बेस पेयर्स क्या करते हैं, एक अमीनो एसिड को कोड करने का काम करते हैं। अब ये कोडिंग कैसे होगी, ये कोड जो बना है mRNA में वो डिकोड कैसे होगा, सो दैट कोड इज डिकोड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, दैट कोड इज डिकोड विद द हेल्प ऑफ tRNA, जो tRNA है tRNA के पास इसका मैचिंग सीक्वेंस होता है, ये देखिए यहाँ पे इसका एंटीकोडॉन होगा, उसको हम बोलते हैं एंटीकोडॉन, कोडॉन्स का एंटीकोडॉन किसके पास होता है,
टीआरएनए पे होता है। तो जब तक इस कोडॉन का एंटी कोडॉन मैच नहीं होगा तब तक यहाँ पे टीआरएनए वहाँ वो वाला टीआरएनए ही आना चाहिए। दूसरा टीआरएनए अगर समझ लीजिए, यहाँ पे अगर एयूजी है तो यहाँ पे यूएसी होना चाहिए, तो यूएसी वाला ही अटैच होगा, दूसरा अटैच हो नहीं सकता। ओके, अनदर विल नॉट बी एबल टू अटैच, दूसरा अटैच नहीं हो सकता। तो ये है आपका, ओके ये देखिए यूएसी ही अटैच हो रहा है, तो दूसरा कोई भी अटैच नहीं हो सकता यहाँ पे। दिस इज द प्रोसेस, ये आपका रियल क्या है, ये आपका रियल प्रोसेस है, समझ में आ रहा है। सो दिस इज अ रियल प्रोसेस। नाउ अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि देर इज अ स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट, ये आपका राइबोसोम है। आपने में सेल में आपने आपको मैंने पढ़ाया था राइबोसोम का, ये आपका स्मॉल सब यूनिट है और ये आपका लार्ज सब यूनिट है। यहाँ पे पूरा प्रोसेस आपका खत्म हो गया विद इन अ 15 सेकंड 20 सेकंड में इन्होंने। तो क्या होता है, सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट के ऊपर क्या होता है, इनिशिएशन कोडॉन आके बैठता है, और इनिशिएशन कोडॉन आके जैसे बथियो नाइन का बैठेगा तब आपका लार्ज सब यूनिट अटैच होता है। लार्ज सब यूनिट अटैच होने के बाद आपके लार्ज सब यूनिट के ऊपर तीन साइट होती है, ए साइट, पी साइट एंड ई साइट। ए साइट क्या है, एमिनो एसिड टीआरएनए एंटर होता है, पी साइट में आपकी पॉली एमिनो एसिड चेन बनती है, और ई साइट में आपका एग्जिट साइट है। जैसे ही आप, तो ये क्या करेगा, ये जो एमआरएनए के ऊपर इन्फॉर्मेशन है ये रीड करता जाएगा, वैसे वैसे टीआरएनए उस तरह का अंदर आएगा एंड टीआरएनए ए साइट से एंट्री करेगा, आगे जाएगा, ये वाला एग्जिट हो जाएगा, इसका एमिनो एसिड इधर चला जाएगा। सो दिस इज द प्रोसीजर, आप देख रहे हो इसका एमिनो एसिड इधर जाएगा, ये आगे जाएगा, देन आपका दूसरा टीआरएनए आ जाएगा, देन इट विल कोड, उसके बाद फिर ये एमिनो एसिड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये चेन बढ़ती जाएगी, आप देख रहे हो एक एक एमिनो एसिड इंक्रीज हो रहा है। ये प्रोसेस है जब तक स्टॉप कोडॉन नहीं आता, हम देखेंगे अच्छे से, जस्ट मैं आई एम गिविंग यू जस्ट इनिशियल आइडिया। जब तक स्टॉप कोडॉन नहीं आता तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, और जैसे स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन कितने हैं, तीन प्रकार के हैं, यूएए, यूएजी एंड यूजीए। जैसे तीन स्टॉप, तीसरा स्टॉप कोडॉन आ जाएगा आपका लार्ज सब यूनिट, मतलब वहाँ पे क्या होगा, आपका स्टॉप हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, आपका प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। आपको ये एकदम एनिमेटेड इमेज से पता चल गया होगा कि हाउ इट गेट स्टॉप। तो ये है आपका, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कैसे आपका स्टॉप कोडॉन प्रोटीन सिंथेसिस को बंद कर रहा है। समझ लीजिए ये आपका इनिशिएशन कोडॉन था, ओके ये आपका एयूजी इनिशिएशन कोडॉन था। इसके बाद 1, 2, 3, 4 और 5 अदर कोडॉन थे, और सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ मतलब इनिशिएशन कोडॉन को छोड़ के, इनिशिएशन कोडॉन को पकड़ के ये सेवंथ है। सेवंथ में आपका अगर स्टॉप कोडॉन आ गया तो क्या हो जाएगा, आपका टर्मिनेशन हो जाएगा, आपका डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस आपका एंड हो जाएगा। नाउ दिस विल, प्रोटीन सिंथेसिस विल स्टॉप। तो ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल बना इसमें कितने एमिनो एसिड से, देर आर प्रेजेंस ऑफ 7 एमिनो एसिड्स, वो नहीं 6 एमिनो एसिड्स, क्योंकि 7 जो है वो स्टॉप था, तो 6 ही एमिनो एसिड। तो ये प्रोटीन आपका बन जाएगा। सो दिस इज द व्हाट, दिस इज द प्रोसेस। ये क्या है, आपका प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस का, समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल सी वन बाय वन। देखिए आप राइबोसोम पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ाया है आपको, टीआरएनए अच्छे से करना पड़ेगा, कभी कभी शॉर्ट नोट आता है, और आपको जेनेटिक कोड जो अभी हमने देखा वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। नाउ वी आर एग्जैक्टली डूइंग स्टडी ऑफ ट्रांसलेशन, अब हम ट्रांसलेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज अ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन बाय डिकोडिंग एमआरएनए प्रोड्यूस्ड इन ट्रांसक्रिप्शन। जो एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन में बना है उस एमआरएनए से इंफॉर्मेशन डिकोड करना विद द हेल्प ऑफ एंटीकोडॉन्स विच वॉज प्रेजेंट ऑन टीआरएनए। और टीआरएनए कौन सा होता है, चार्जलर टीआरएनए। चार्जलर टीआरएनए कौन सा, जिस टीआरएनए के ऊपर हमने बताया था चार्जलर टीआरएनए क्या है, डिस्चार्जलर टीआरएनए क्या है, आप सेल जब पढ़ोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं आपको मैंने टीआरएनए स्पेशली पढ़ाया था, यस, टाइप्स ऑफ आरएनए में। ओके, सो दिस इज अबाउट ट्रांसलेशन, ये आपका ट्रांसलेशन है। अब क्या है, द सेलुलर मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन में हम कुछ बातें पढ़ेंगे। एमआरएनए मॉलिक्यूल आपको पता है 5' टू 3' एंड का होता है,
ओके, जिसके ऊपर डीएनए के सीक्वेंस होते हैं और इसमें खाली कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, ओके, कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। हम आरएनए स्प्लाइसिंग का एक चैप्टर में डिस्कस करूँगा, ओके। आरएनए स्प्लाइसिंग में क्या होता है, जो नॉन कोडिंग इंट्रॉन होते हैं वो हटाए जाते हैं, ओके। मैं आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो आरएनए स्प्लाइसिंग, वो जरूरी है। कभी अगर शॉर्टकट आ गया, शॉर्ट नोट आ गया, आप बोलेंगे सर ने पढ़ाया नहीं। आपको बहुत सारे टॉपिक आपके ही टीचर नहीं पढ़ा रहे, आई नो, बट आई एम टेकिंग यूर फीस 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 70 रुपीज़ में ले रहा हूँ, सो दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू। आप भले ही आपके कॉलेज में 14,000 एक, आपको पता है, मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ, यू आर पेइंग 70,000 समवेयर। आप समझ लीजिए आपका एक साल का फीस है 80,000 सपोज, हाँ कितना है 80,000, ठीक है, तो एक सेमिस्टर का हो गया 40,000। आप थोड़ा सा हिसाब करो, एक सेमिस्टर का हो गया 40,000 रुपीज़, हर सेमिस्टर में 10 कोर्स है तो हर कोर्स का फीस हो गया 4,000 रुपये। इसका मतलब आपका पूरा कोर्स पढ़ाने का कॉलेज फीस कितना लेता है, 4,000 रुपीज़। आप 4,000 रुपीज़ पे करके आपको कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ यूर कॉमन ऑफ, बिकॉज ऑफ शॉर्ट सेमिस्टर। मैं यहाँ पे आपके हार्डली 50 to 100 रुपीज़ ले रहा हूँ, फिर भी आपका आपको इतना कष्ट होता है फॉर द पेमेंट ऑफ द 100 रुपीज़, 50 रुपीज़, दैट इज सरप्राइजिंग। और इतना अच्छा क्वालिटी का आपको कोर्स मिल रहा है, टीचर कोई आपको नोट्स नहीं दे रहा, टीचर कोई आपको रिकॉर्डेड वीडियो नहीं दे रहा जो आप बार बार देख पाओगे, ओके। ही इज़ नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सॉल्विंग यूर क्वेश्चन पेपर, नथिंग, इवन दो यू आर पेइंग, ओके, यू आर पेइंग विदाउट एनी थिंकिंग एनीथिंग, लेकिन आप यहाँ पे 50 रुपये, 100 रुपये पे करने के लिए इतना सोचते हो, दैट इज़ द प्रॉब्लम। यहाँ पे दिक्कत है, आपको अच्छा क्या है, सस्ता क्या है, ये समझ अभी तक नहीं है। वो जब तक आएगी तब तक टाइम खत्म हो चुका होगा, तब आप दूसरों को बताओगे कि ये लो, आप नहीं यूज़ करोगे। नाउ राइबोसोम दैट कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। राइबोसोम क्या है, ये पॉलीपेप्टाइड मतलब ये आपका पॉली अमीनो एसिड की चेन बनाने में काम आता है। टीआरएनए मॉलिक्यूल जो है दैट अलाइन अमीनो एसिड्स इनटू करेक्ट ऑर्डर अलॉन्ग विद एमआरएनए टेम्पल, ओके। तो टीआरएनए क्या करता है, एमआरएनए से एक करेक्ट अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस बनाने में काम करता है। तो अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस क्या है, दिस अटैच अमीनो एसिड टू द देयर अप्रोप्रिएट टीआरएनए मॉलिक्यूल। देखिए 20 पर तरह के अमीनो एसिड्स हैं, तो अप्रोप्रिएट अमीनो एसिड अप्रोप्रिएट टीआरएनए के ऊपर आना जरूरी है, तो वो करने का काम कौन करता है, अमीनो एसिड टीआरएनए का करता है। प्रोटीन फैक्टर, बहुत सारे प्रोटीन फैक्टर्स हैं, हम आगे देखेंगे कौन से फैक्टर्स है, ओके। नाउ दिस इज वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, ए साइट, पी साइट, ए साइट, एमआरएनए बाइंडिंग साइट। देखिए कभी कभी क्वेश्चन आता है, एमआरएनए बाइंडिंग साइट स्मॉल यूनिट पे होता है कि लार्ज यूनिट पे होता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है बोथ स्मॉल लार्ज, तो आपको स्मॉल सब यूनिट देना है, आपको यहाँ दिख रहा है। सबसे पहले एमआरएनए आपने देखा था यहाँ पे एनिमेटेड वीडियो में, वो कहाँ पे अटैच हो रहा है, दैट अटैच टू द स्मॉल सब यूनिट, उसके बाद लार्ज सब यूनिट वहाँ पे आता है। सो रिमेंबर दिस, सो ए साइट मतलब अमीनो एसिड टीआरएनए साइट, पी साइट मतलब आपका पेप्टाइड अमीनो एसिड की चेन बनती है, और ई साइट मतलब जो डिस्चार्ज टीआरएनए है वो बाहर निकलना, दैट इज कॉल्ड एज एग्जिट साइट, आप बोल सकते हो। सो दीज साइट्स आर प्रेजेंट इन द इंटरफ्रेंस बिटवीन द स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो ये स्मॉल और लार्ज सब यूनिट का जो इंटरफ्रेंस है उसमें ये होती है, ये इमेजिनरी साइट है, ऐसा कोई लिखा नहीं है या पता नहीं है, ओके। नाउ स्टेप्स, स्टेजेस क्या है ट्रांसलेशन की, प्रोटीन सिंथेसिस की। पहला है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट करना जरूरी है, और आपने देखा था ये एंजाइम, आपने देखा था अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेस, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेस, ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम आपका अमीनो एसिड्स को एक्टिव करके टीआरएनए के ऊपर ले आने का काम करता है। नाउ इनिशिएशन, अब इनिशिएशन क्या है, एमआरएनए जो है, एमआरएनए आपका जब स्मॉल सब यूनिट के ऊपर अटैच हो जाएगा, देर इज अ डेलगर्नो सीक्वेंस, याद रखिए, सिलेक्शन ऑफ द इनिशिएशन ऑफ एयू इज डिटरमाइंड बाय द नेबरिंग न्यूक्लियोटाइड, इसका जो नेबरिंग न्यूक्लियोटाइड्स है इसको हम बोलते हैं शाइन डेलगर्नो सीक्वेंस, याद रखिए।
हर ऑर्गेनिज्म में डलगोनो सीक्वेंस अलग अलग होते हैं, तो आपको मतलब अलग अलग तरह के हैं। इकोलाई में अलग प्रोटीन्स के लिए, अलग एंजाइम्स के लिए अलग अलग डलगोनो सीक्वेंस है, जिसका इनिशिएशन कोड AUG होता है, लेकिन इसका जो इधर वाले जो 16S RNA हम बोलते हैं उसको, ये वाला सीक्वेंस स्पेसिफिक होता है। सो ये वाला शाइन डलगोनो सीक्वेंस बोलते हैं, याद रखिए। सो इनिशिएशन कोडन ऑफ AUG और आपके जो इनिशिएशन फैक्टर होते हैं, जैसे हमने उधर देखा था आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, हम TF बोलते थे, TF फैक्टर हमने बोला था, G बोला, B बोला, है ना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 बोला था हमने उधर, क्योंकि RNA पॉलीमरेज 2 था, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2, उसमें फिर आपका G आता था, B आता था, C आता था, D आता था, E आता था, हमने देखा हर इनिशिएशन फैक्टर 2 का हमने रोल देखा। तो यहाँ पे आपका इनिशिएशन फैक्टर 1, 2, 3 नाम से है, ओके, जो आपका इनिशिएट करता है, और इनिशिएशन फैक्टर इज नथिंग बट दीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या करते हैं, दीज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन मतलब आपका जो शाइन डलगोनो सीक्वेंस है उसको रिकॉग्नाइज करना, वहाँ पे जा पे चिपकना, ओके, mRNA को वहाँ पे अटैच करना और AUG बराबर उसी सीक्वेंस पे ले आना। सो एवरीथिंग इज फिक्स्ड, ओके, ये फिक्स है। और ये पोजीशन देखिए, आप कोई भी आपका मशीन होता है, अगर एक आधा मशीन है, समझ लीजिए वो कंप्यूटर का वो बना रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है, या आपका कोई नट बोल्ट बना रहा है, समझ लीजिए, तो देखिए वो उसका ढांचा फिक्स है, वो ढांचे में क्या जाता है, वो लोहा जाएगा और वो वाला नट बन जाएगा। तो वैसे ही इधर भी है, सोना जो सोनार क्या करता है, गोल्ड से ज्वेलरी बनाता है, तो वो क्या है, उसके पास भी ढांचा होता है, ओके, और ये पॉसिबल नहीं है इतना छोटा छोटा इतना डिज़ाइन में बनाना, तो वो ढांचा होता है, उस ढांचे में वो सोना पिघल के वो पानी बना के सोने को वहाँ पे डाल देते हैं और वो बराबर प्रॉपर सोना वहाँ पे बन जाता है। सो दैट इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ दिस। तो यहाँ पे भी ऐसी है, ओके, तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर पक्का है, आपने यहाँ पे देखा ये वाला शाइन डलगोनो सीक्वेंस आपने देखा उस तरह का, ये फिक्स है, ये जहाँ पे पेयरिंग है वहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। AUG बराबर आपका कहाँ पे आ जाएगा, AUG आपका बराबर आ जाएगा आपका पी साइट पे, AUG विल बी पी साइट। और जब तक ये पी साइट पे आएगा नहीं, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा mRNA, तब तक आपका आपका स्मॉल सब यूनिट अटैच नहीं होगा, किसके ऊपर, लार्ज सब यूनिट के ऊपर। और स्मॉल लार्ज सब यूनिट जब तक अटैच नहीं होगा, तब तक आपका tRNA और ये सब, मतलब tRNA तो पहले आ ही गया क्योंकि AUG के कारण, तब तक आपका इनिशिएशन नहीं होगा। सो दीज आर द स्टेप्स, ठीक है, तो दीज आर द सेफ स्टेप्स, ओके, AUG इन यूकैरियोट्स, लेकिन कहीं कहीं आपका GUC भी है, ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है इनिशिएशन कोडॉन इज GUC इन ई कोलाई लैक एल के लिए, ओके, तो अलग अलग तरह के लैक ओपेरॉन से, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है जीन रेगुलेशन, वो लैक ओपेरॉन ही है, क्योंकि देखिए जीन को कैसे कंट्रोल करना है, एक्सप्रेशन को कैसे कंट्रोल करना है, वो हम वहाँ पे पढ़ेंगे। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन प्रोसेस इज सब डिवाइड इंटू 3 स्टेजेस, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ओके, ट्रांसलेशन जो है वो 3 स्टेजेस में होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज इनिशिएशन, इनिशिएशन इज अ प्रोसेस इन विच mRNA इज बाउंड टू द राइबोसोम एंड पोजिशन फॉर अ प्रॉपर ट्रांसलेशन। तो ये प्रॉपर ट्रांसलेशन के लिए क्या करेगा, पोजिशन करेगा। देन इलोंगेशन, मैंने आपको बोला था कि mRNA प्रॉपर बाइंड होगा, ओके, और ट्रांसलेशन शुरुआत करने का काम करेगा। नाउ इलोंगेशन स्टेज इन विच अमीनो एसिड्स आर सिक्वेंसली ज्वाइन टुगेदर, आपने देखा कैसे एक एक अमीनो एसिड आपके ए साइट से एंटर कर रहा था, अमीनो एसिड tRNA, पी साइट में वो आपका एक अमीनो एसिड डोनेट कर रहा था, ई साइट से एग्जिट हो रहा था। सो दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू टिल स्टॉप कोडॉन कम, जब तक स्टॉप कोडॉन नहीं आएगा तब तक ये प्रोसेस स्टॉप नहीं होगी, एंड लास्ट स्टेज इज टर्मिनेशन, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन। स्टॉप कोडॉन आने के बाद प्रोटीन सिंथेसिस बंद करना, इसका मतलब है दैट इज अ टर्मिनेशन, अ टर्मिनेशन स्टेज इन विच द mRNA एंड न्यूली फॉर्म्ड पॉलीपेप्टाइड चेन आर रिलीज्ड फ्रॉम द राइबोसोम। तो यहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर होता है,
वहाँ पे क्या होता है, देर इज अ प्रेजेंस ऑफ रिलीजिंग फैक्टर। वहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर क्या काम करता है, वो टर्मिनेशन करने का काम करता है। जब भी आपके स्टॉप कोडन आएगा, रिलीजिंग फैक्टर वहाँ पे आके आपके लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट और जो बना हुआ पॉली एमिनो एसिड्स का चेन है वो ब्रेक करेगा, एंड देर विल बी स्टॉप ऑफ द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन। समझ में आ गया होगा आई थिंक, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं भी आपको इतना डिटेल में इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, दैट इज आई एम गिविंग यू गारंटी। द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड इनिशिएशन फैक्टर। इनिशिएशन के लिए मैंने आपको बोला कि इनिशिएशन फैक्टर 1, 2, 3 आपको चाहिए होते हैं, और वो क्या करते हैं, बाइंड्स टू 30 यस राइबोसोमल सब यूनिट विथ GTP अटैचिंग टू द आई इनिशिएशन फैक्टर 2। ये GTP एक क्या है, ATP टाइप का मॉलिक्यूल होता है। इन स्टेप 2 द mRNA बाउंड्स टू 30S सब यूनिट। पहले वो क्या हुआ, ये जो 3 इनिशिएशन फैक्टर है ये आपके राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट को बाइंड होते हैं, 30S मतलब स्मॉल सब यूनिट, और उसके बाद ये जब अटैच हो जाएंगे तब क्या होगा, आपका mRNA बाइंड हो जाएगा स्मॉल सब यूनिट के ऊपर, एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन में बाय मींस ऑफ अ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज कॉल्ड एज mRNA राइबोसोमल बाइंडिंग साइट्स। जैसे मैंने आपको शाइन डेलगोर्नो सीक्वेंस बताया था, दैट इज अ शाइन डेलगोर्नो सीक्वेंस, आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज अ शाइन डेलगोर्नो सीक्वेंस। हर एंजाइम्स के लिए अलग अलग होता है, तो ये प्रॉपर बाइंड हो जाएगा, एंड ड्यूरिंग द इनिशिएशन ऑफ द इनिशिएटर tRNA विथ इट्स अटैच्ड एन फॉर्मिल मिथियोनाइन, मिथियोनाइन होता है जो AUG का उसका कोड होता है, इज बाउंड टू द पी साइट। ये क्या करता है, डायरेक्ट पी साइट के ऊपर आता है, ए साइट से एंट्री करता है और पी साइट के ऊपर आ जाता है, और आपका उसके बाद क्या हो जाएगा, द 30S राइबोसोम सब यूनिट बाय द एक्शन ऑफ इनिशिएशन फैक्टर 2 विच कैन डिस्टिंग्विश इनिशिएशन tRNA जो है आपका आ जाएगा वहाँ पे मिथियोनाइन का। फाइनली 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इज ज्वाइन बाय 50S राइबोसोमल सब यूनिट्स। तो इनिशिएशन समझ में आ गया, इनिशिएशन में हो क्या रहा है, इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट बाइंड टू स्मॉल सब यूनिट। देखिए शॉर्ट में याद रखिए, स्मॉल सब यूनिट को बाइंड हो गए, स्मॉल सब यूनिट को बाइंड होने के बाद क्या होता है, वहाँ पे आपका mRNA अटैच हो जाता है विद द शाइन डेलगोर्नो सीक्वेंस, उसके बाद आपका सिग्नल चला जाता है लार्ज सब यूनिट को कि भाई सब रेडी है आप जाके बैठ जाओ, ओके नहीं, उसके बाद क्या होता है tRNA अटैच हो जाता है, mRNA के ऊपर tRNA अटैच होता है, और tRNA अटैच होने के बाद फाइनल क्या होता है, फाइनली आपका वहाँ पे लार्ज सब यूनिट अटैच होता है, तो आपका क्या हुआ, इनिशिएशन शुरू हुआ। सो यूकैरियोटिक इनिशिएशन आप देख ही रहे हो, ओके नाउ, सो द इनिशिएशन प्रोसेस इन यूकैरियोट इन्वॉल्व द डिफरेंट सेट ऑफ इनिशिएशन फैक्टर। वो आपका प्रोकैरियोट था, यहाँ पे यूकैरियोटिक, कोई बात नहीं, आप कोई भी वैसे आपको अलग अलग नहीं लिखी बताएंगे पूछेंगे, बट देर इज लिटिल बिट डिफरेंस इन एंजाइम्स, बाकी कोई प्रोसेस में डिफरेंस नहीं है। यहाँ वहाँ पे हम IF बोलते थे, यहाँ हम यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर बोलेंगे, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। स्पेशल इनिशिएशन फैक्टर यहाँ वहाँ पे हमने जो नाम यूज़ किया था मिथियोनाइन का, दैट वाज ये था आपका क्या बोलते हैं, एन फॉर्मिलिन मिथियोनाइन, यहाँ पे हम डायरेक्ट tRNA मिथियोनाइन ही बोलते हैं, एन फॉर्मिलिन हम नाम यूज़ नहीं करते, ओके तो प्रोसीजर सेम ही है, ओके प्रोसीजर इज नियर अबाउट सेम, ओके समवॉट डिफरेंट पाथवे फॉर असेंबलिंग द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। द इनिशिएशन फैक्टर EIF2 विथ GTP ऑलरेडी अटैच बाइंड टू द इनिशिएशन मिथियोनाइन, वो मिथियोनाइन पे होता है बिफोर द tRNA बाइंड टू द स्मॉल सब यूनिट। ये स्मॉल सब यूनिट से बाइंड होने से पहले ही ये अटैच होके हो चुका होता है, वहाँ पे बाद में होता है, बस यही डिफरेंस है। द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बाइंड टू 5' एंड, आपको पता है ये 5' एंड से शुरुआत होती है, क्योंकि 3' टू 5' एंड पे mRNA बना, तो जो नया mRNA बनेगा वो क्या बनेगा, 5' टू 3' एंड, तो वहीं से शुरू होती है। द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बाइंड टू द 5' टू 3' एंड ऑफ mRNA रिकॉग्नाइजिंग द 5' कैप, ओके इन अ सम सिचुएशन द कॉम्प्लेक्स में इंस्टेड बाइंड टू द इंटरनल राइबोसोम एंट्री सीक्वेंस, उसको हम बोलते हैं IRES, विच लाइज डायरेक्टली अपस्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट कोडॉन आफ्टर बाइंडिंग ऑफ mRNA टू द स्मॉल सब यूनिट। जब भी mRNA स्मॉल सब यूनिट के ऊपर बाइंड हो जाएगा, ओके स्कैन्स अलॉन्ग द mRNA एंड यूजुअली बिगिन ट्रांसलेशन, फर्स्ट जो होता है AUG होता है,
ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज इनिशिएशन। तो ये आपका इनिशिएशन है, इनिशिएशन फैक्टर्स उनमें इंपॉर्टेंट्स है। आप खाली प्रोकैरियोट्स को याद रखेंगे चल जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस बताया है। जो इनिशिएशन फैक्टर टू जो है वो आपका पहले ही ऑलरेडी अटैच होता है किसके साथ, आपके टीआरएनए के साथ, मिथियोनाइन का टीआरएनए जो है उसको हम बोलते हैं कि मिथियोनाइन टीआरएनए के साथ, वहाँ पे हम एन अमीनो एसिड मिथियोनाइन बोला था, ओके यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, सॉरी एन फॉर्मिल मिथियोनाइन बोला था, हम यहाँ पे खाली मिथियोनाइन टीआरएनए बोल रहे हैं। नाउ चेन इलोंगेशन, ओके हम नाउ वी आर गोइंग टू एंड द चैप्टर विद टू थ्री मिनट्स। अब इलोंगेशन में क्या होता है, इलोंगेशन में कुछ नहीं होगा, ये साइड से टीआरएनए आएगा, और कौन सा टीआरएनए आएगा, जो वाला टीआरएनए आपका कोड कर रहा है, जो वाला टीआरएनए आपका कोड कर रहा है, कोडिंग टीआरएनए विल कम, जो मैच हो रहा है मैचिंग टीआरएनए विल बी कम, ओके बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए, ओके और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, पॉली आपका अमीनो एसिड्स का चेन बनेगा और ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट होगा। नाउ टर्मिनेशन, टर्मिनेशन इंपॉर्टेंट है, इनिशिएशन टर्मिनेशन इंपॉर्टेंट है, इलोंगेशन में आप पढ़ के पता कर सकते हो, यू कैन जस्ट आइए, आपको पीपीटी जो है आपको मैंने प्रोवाइड करी है, आपको मटेरियल मिला है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। नाउ टर्मिनेशन इज इम्पॉर्टेंट, टर्मिनेशन में क्या होगा, आपको पता है तीन अमीनो एसिड, ओके देर आर थ्री अमीनो एसिड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्मिनेशन, यूएजी यूएए एंड यूजीए। जब भी ये आएगा, ओके द टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस ऑकर व्हेन वन ऑफ द स्टॉप, वन ऑफ द थ्री स्टॉप कोडॉन्स इन द एमआरएनए अराइव्स, जब भी आएगा, अगर वो 100 बेस पे 100 कोडॉन के पास बाद में आता है, चार कोडॉन के बाद में आता है, वो जब भी आएगा उतना ही क्वांटिटी का प्रोटीन बनेगा, ओके और आपको पता है प्रोटीन अलग अलग क्यों होता है, प्रोटीन अलग अलग इसलिए होता है कि उसमें जो अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन है वो अलग होता है, और अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन बदलेगा तो क्या होगा, एक्सप्रेशन ऑफ द जीन विल बी चेंज, कैरेक्टर विल बी एक्सप्रेस इन डिफरेंट वे। सो टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज इज ट्रिगर्ड बाय रिलीज फैक्टर। जब ये आएगा, जब क्या आएगा, जब भी आपका टर्मिनेशन आपका, जब भी आपका स्टॉप कोडॉन आ जाएगा तो वहाँ पे रिलीज फैक्टर अटैच हो जाता है। हु विल कम देयर, तो वहाँ पे इन प्लेस ऑफ कमिंग टीआरएनए आपका रिलीज फैक्टर का प्रोटीन आता है ए साइट पे, और डायरेक्टली वो क्या करता है, इट विल डिसोसिएट, आपको ब्रेक कर देगा लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट और आपके एमआरएनए को। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ओके ये आपका पूरा प्रोसेस है ट्रांसलेशन। नाउ लास्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो ट्रांसलेशन होता है इनमें क्या फर्क है, कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है, सो यू ऑल शुड नो अबाउट दिस, ओके। नाउ फर्स्ट प्रोकैरियोटिक का जो ट्रांसलेशन है, ओके उसमें आपका टीआरएनए वो होता है फॉर्मिलिन मिथियोनाइन वाला, यहाँ पे आपका मिथियोनाइन इनिशिएशन वाला है, इधर जो आरएनए आपका जो राइबोसोम होता है प्रोकैरियोटिक में वो 70S वाला होता है, इधर आपका 80S वाला होता है, यहाँ आपका 30-50 सब यूनिट होते हैं, यहाँ पे आपका 40-60 सब यूनिट, आपने जब सेल पढ़ा था आपको पता है, ओके ये वाले प्रोकैरियोटिक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, तो यहाँ पे जो राइबोसोम होता है वो फ्री होता है, यहाँ पे आपका राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है। ट्रांसलेशन स्टिमुलेट विथ ट्रांसक्रिप्शन नॉट, ओके देन ट्रांसलेशन इनिशिएशन इन्वॉल्व बेस, ये देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है प्रोकैरियोटिक में, जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा ट्रांसलेशन भी उधर ही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एट अ टाइम हो जाएगा, इधर ऐसा नहीं है, यूकैरियोटिक में ऐसा नहीं है, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा तब वो एमआरएनए न्यूक्लियर पोर से बाहर आएगा, तो दोनों प्रोसेस एट अ टाइम नहीं होगी, यहाँ पे हो सकती है साइमल्टेनियस प्रोसेस है, यहाँ पे नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इज साइमल्टेनियस, ओके लेकिन यूकैरियोटिक में नहीं है, हो ही नहीं सकती, जब तक वो बाहर नहीं आएगा कहाँ से न्यूक्लियस से, तब तक उसके साथ ट्रांसलेशन होगा नहीं। ट्रांसलेशन इनिशिएशन इन्वॉल्व बेस पेयरिंग बिटवीन 16S आरएनए एमआरएनए शाइन डलगोरनो बोलते हैं हम इसको, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में इट इज़ बेस्ड ऑन रिकॉग्निशन ऑफ 5' कैप ऑफ
mRNA बाय 40S सब यूनिट, जो 40S सब यूनिट है स्मॉल सब यूनिट है, क्योंकि 40 और 60 होता है तब तक नहीं होता। फॉर्मिल मिथियोनाइन इज द इनकॉर्पोरेटेड इनिशिएशन कोडॉन, और यहाँ पे मिथियोनाइन इज AUG से ही कोड होते हैं दोनों जगह, लेकिन ए वाला जो होता है वो फॉर्मिलिन मिथियोनाइन होता है, एन फॉर्मिलिन मिथियोनाइन हमने देखा। सो दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। दिस इज होल अबाउट द मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हमने DNA स्ट्रक्चर डिस्कवरी हिस्ट्री, हमने प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, देन वी हैव सीन द ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन जेनेटिक कोड, ओके ये सब चीज़ें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की है। नाउ वी विल स्टॉप दिस टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, दैट इज जीन रेगुलेशन। उसके बाद आपका जीन रेगुलेशन खत्म हो जाएगा, योर होल जेनेटिक्स विल बी कवर्ड बाय माई सेल्फ। आपका RNA स्प्लाइसिंग है वो भी एक वीडियो में बना लूँगा।